सो हे देयर, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आईपीएल के इतिहास में पहली बार मैनकेडिंग रनआउट करी गई है। रविंद्र चंद्र अश्विन, किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान, ने अभी हाल फिलहाल में राजस्थान रॉयल्स के ओपनर बैट्समैन जॉस बटलर को ऐसे ही आउट किया है। बेचारे यार भाई, बटलर दूसरी बार ऐसे आउट हुए हैं। एक बार और इंग्लैंड के मैच में वो ऐसे ही आउट हुए थे। तो यार गाइस, क्या ये लीगल है? तो यार जी हाँ गाइस, ये बिल्कुल लीगल है। आईसीसी के रूल्स में ये लिखा गया है कि अगर कोई भी बॉलर बॉलिंग डाल रहा है और एक्सपेक्टेडली जो टाइम होता है जिस टाइम बॉलर अपने हाथ से बॉल छोड़ने वाला है, और अगर उस टाइम पे नॉन स्ट्राइकर क्रीज से बाहर पाया जाता है, तो बॉलर को पूरा राइट है कि वो रन आउट कर सकता है। और ऐसा ही रविंद्र चंद्र अश्विन ने करा है, ये पूरे रूल्स के हिसाब से ही करा है। अब यार भाई, जो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की बात चल रही है कि स्पिरिट ऑफ क्रिकेट में आपको पहले वार्निंग देनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो आईसीसी के रूल्स के हिसाब में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है। आईसीसी के रूल्स में बिल्कुल ये नहीं लिखा है कि वार्निंग देना चाहिए, ये देना चाहिए, आप सिर्फ रन आउट कर सकते हैं, ये बिल्कुल है, और वही रविंद्र चंद्र अश्विन ने करा है। और गाइस यार, मैंने जो देखा, क्या वो आपने देखा? मैंने ऐसा देखा है कि रविंद्र चंद्र अश्विन जब अपनी बॉलिंग कर रहे थे तो वो थोड़ी देर के लिए रुके हैं, कुछ सेकंड्स के लिए वो रुके हैं। जॉस बटलर फिर क्रीज से बाहर गए और फिर रविंद्र चंद्र अश्विन ने रन आउट किया है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि रविंद्र चंद्र अश्विन थोड़ी सेकंड्स के लिए रुके हैं, पर ठीक है, ये लीगल है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, कोई भी यार बैन वैन तो नहीं लगने वाला है, बिल्कुल से लीगल आउट हुए हैं। पर यार गाइस, यहां जो गलती है वो करी गई है अंपायर से। अंपायर्स को ये बिल्कुल देखना चाहिए था कि उन्होंने कुछ सेकंड्स का जो डिफरेंस है वो लिया है अश्विन ने। अश्विन ने यही कहा है कि यार भाई, मैंने जानबूझ के इंटेंशनली कुछ नहीं किया है, कुछ भी प्लान्ड नहीं था, ये बहुत इंस्टिंक्टिव हुआ है, ये जो भी हुआ है बहुत ही जल्दी में ये हुआ है। आप और गाइस यार, मेरे हिसाब से तो यार भाई ये पूरा सही है, अंपायर की ही गलती है और रूल्स के हिसाब से भी ये सही है। अब यार गाइस, अगर रूल्स में ऐसा कुछ लिखा है मैनकेडिंग रन आउट का, तो यार भाई ये फिर लीगल है, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट कहीं नहीं रहती है। अगर भाई यार ऐसा कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल उठाना ही है, कॉन्ट्रोवर्सीज बनानी है, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट करना है कि आपको पहले वार्निंग देनी चाहिए थी, वार्निंग देने के बाद ही आप ऐसा रन आउट कर सकते हो, तो ये सब जो है वो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट में लिखा है। आईसीसी के हिसाब से कोई भी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट नहीं मानी जाती है। तो यार गाइस, जो है वो सही है, अश्विन ने जो करा है वो सही करा है, जो गलती है वो अंपायर की है, अंपायर नहीं है गलती करी है। मेरे को यार याद आ रहा है, करीब 7-8 साल पहले अश्विन ने एक और बार ऐसा रन आउट किया था श्रीलंका के विरुद्ध, जहां पे यार भाई श्रीलंका के विरुद्ध वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर दोनों ने ये जो अपील थी वो वापस ले ली थी, वहां पे आउट नहीं दिया गया था, पर अश्विन तो यार बतौर कप्तान थे, उन्होंने ही आउट किया था। और इस बार जॉस बटलर को आउट कराया गया है। जॉस बटलर यार बेचारे बहुत दुखी थे कल, उनके इमोशन साफ साफ दिखाई दे रहे थे, बहुत ज्यादा गुस्से में वो दिख रहे थे। तो यार गाइस, यही थी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना, आपके क्या कॉमेंट्स है, आपके क्या ओपिनियन से नीचे बिल्कुल से मेरे को बताना यार। और यार गाइस, जितने भी वीडियो मैंने आपको दिखाए हैं सब मेरे नहीं हैं, क्रेडिटेड है। जो रविंद्र चंद्र अश्विन का रनआउट वाला वीडियो था वो हॉटस्टार का था, और साथ ही साथ अभी जो यार एक मीम वाला वीडियो आने वाला है वो सर्कल ऑफ क्रिकेट इंस्टाग्राम का है। सारे कोई भी वीडियो मेरा कॉपीराइटेड नहीं है, ये सब मैंने कहीं से उठाए हैं और बिल्कुल मैं आपको क्रेडिट्स दे रहा हूँ भाई। प्लीज़ यार कॉपीराइट मत मार देना। तो फिर मिलता हूँ आपसे अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।